अबाउट संस्कृत। लेसन नंबर 5 सुभाषित वैभवः, सुभाषित वैभवः। ग्लोरी ऑफ गुड सेंस, ओके, ये पोएट्री है सुभाषित के। मीनिंग पाठकः, इट मींस रीडर। पाठितः, इट मींस किंग। कलह, इट मींस क्वेरल। चारः, स्पाइ। जड़ः, इग्नोरेंट। कामः, डिजायर। तक्षकः, अ कोबरा ऑफ रेड नेट, यानी स्नेक का नाम है कोबरा, उसको बोलते हैं तक्षकः। वृषिकः, स्कॉर्पियो, यानी कि वो बिच्छू होता है वो, ओके। हम अब देखेंगे फर्स्ट श्लोक। माधुर्य मक्षर व्यक्ति पदे छुंगस्तु सुस्वर धैर्य लय समर्थ च सड़ेति पाठका गुणाः। इट मीन स्वीटनेस ऑफ टोन, क्लियर प्रोनाउंसेशन ऑफ लेटर्स, एजुकेशन ऑफ वर्ड्स, ब्यूटीफुल वॉइस, करेज एंड सेंस ऑफ रिथम, दीज आर द 6 क्वालिटीज ऑफ ए सिंगर, ओके। मधुरता, स्वीटनेस यानी कि मधुरता, यानी अक्षर की अभिव्यक्ति, यानी कि क्लियर प्रोनाउंसेशन, और एजुकेशन ऑफ वर्ड यानी कि पदों का विभाजन करना है, उसको छांटना, और ब्यूटीफुल वॉइस यानी अच्छा वॉइस यानी कि अपनी अच्छी आवाज, साथ करेज ऑफ सेंस ऑफ रिदम यानी कि धीर, शांति से लय, शांति से ये 6 यानी 6 यानी 6 क्वालिटीज ऑफ ए लीडर, यानी कि इसके अंदर 6 वाचक के गुण समाये हुए हैं। स्वीटनेस ऑफ ट्यून, क्लियर प्रोनाउंसेशन ऑफ लेटर, आइसोलेशन ऑफ वर्ड, ब्यूटीफुल वॉइस, करेज एंड सेंस ऑफ रिदम, दीज आर द 6 क्वालिटीज ऑफ अ लीडर। सेकंड श्लोक। चल वित्तम चल चित्तम चले जीवित यौवने, चला चलमिदम सर्व कीर्ति रेव ही जीवति। वेल्थ इज ट्रांजिटरी, माइंड इज अनस्टेबल, लाइफ एंड यूथ आर अनस्टेबल, ऑल दिस इज द स्टेबल एंड द अनस्टेबल, ओनली हैव और रेपुटेशन लाइंस। इट मीन्स यानी कि धन चंचल है, कैसे भी धन चंचल है, अपना मन, अपना मन भी कैसा है, चंचल है, जीवन और अपनी जवानी वो भी कैसी चंचल है, ये सब यानी कि ये सब आता है जाता है और कैसा है, चंचल है। जिसके पास कीर्ति हो वो ही जीता है। वेल्थ इज ट्रांजिटरी, माइंड इज अनस्टेबल, यानी कि जिसके पास धन है, मन है, जवानी है, सब चंचल है, पर जिसके पास कीर्ति है वही खुद जीता है। रेपिटेशन ऑफ लाइंस। थर्ड, मक्षिकाः व्रणमिच्छन्ति धनमिच्छन्ति पार्थिवाः, नीचाः कलहमिच्छन्ति शान्तिमिच्छन्ति साधवः। हाउसवाइफ डिजायर माउंटेन्स, डिजायर वेल्थ, द वीक डिजायर क्वेट ऑफ कंटेंट, गुड पीपल डिजायर पीस। इट मीन्स माखी वो जख्म है, वो जख्म देना चाहती है, यानी वो इच्छती है कि वो हम उसको जख्म दे। राजा यानी को किंग वो पैसे के लिए करता है, पैसा उसका प्राउड है, और हल्का यानी जैसे हल्के प्रकार के लोग होते हैं, जैसे नीचे का उसके लोग होते हैं, वो यानी कि झगड़ा फाइट करना चाहते हैं, पर जो अच्छे इंसान है, सज्जन है, वो शांति से इच्छे शांति से सब काम करना चाहते हैं, ओके। अब फोर्थ श्लोक। चारेह पश्यन्ति राजान शुश्रूषु उपयुक्तामी करे जनाः, दरिद्राय धनम देय नाना देय जड़ाय च। सॉरी, गावो गंधे पश्यन्ति वेदेह पश्यन्ति ब्राह्मणाः, चारे पश्यन्ति राजान शुश्रूषु उपयुक्तामी करे जनाः।
लोभात क्रोधः प्रभवति लोभात कामः प्रजायते लोभान् मोहस्य नाश्च च लोभं पापस्य कारणम्। यानी एंगर ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्रीड, डिजायर इज बोर्न आउट ऑफ ग्रीड, टेम्परेशन एंड डिस्ट्रक्शन एंड कॉज बाय ग्रीड, ग्रीड इज द कॉज ऑफ सिन। यानी कि लोभ, यानी जो जिसको ज्यादा लोभ होता है उसको क्रोध भी उत्पन्न होता है, जिसके पास लोभ है उसके पास क्रोध भी यानी गुस्सा भी होता है। लोभ से सब कामना जनती है, यानी अति लोभ अपन करते हैं तो उससे हम अपने क्रोध को काबू में नहीं प्राप्त पा सकते, क्रोध से ही हम अपना जीवन नष्ट कर सकते हैं। और लोभ से ही सब मोह का नाश होता है, लोभ से जो हम जो इच्छे की ये करूंगा वो होगा उससे ही हम अपने बुद्धि से नष्ट कर देते थे। लोभ पाप का कारण है, ज्यादा लोभ करने से आप पाप करना चाह सकते हैं, यानी पाप कर सकते हैं, ज्यादा लोभ कभी नहीं करना चाहिए। तक्षकस्य विषम दन्ते मक्षिकाया क्षमत्सके, वृक्षिकस्य विषम पुच्छे सर्वांगे दुर्जनस्य ततः। द स्नेक हैज पॉइजन इन इट्स टीथ, द फ्लाई हैज पॉइजन इन इट्स हेयर, द स्कॉर्पियो हैज पॉइजन इन इट्स टेल। A weak person's whole body is full of poison. यानी तक्षक का जेल, यानी वो स्नेक का जेल उसमें है जो उसके टीथ में यानी कि दांत में रहता है, और मक्खी जो फ्लाई करती है ना वो मक्षिका, वो उसके जेल का रहते हैं उसके सिर पर रहता है। और जो बिच्छू होता है उसका जहर कहाँ रहता है, उसकी पूंछ में रहता है। परंतु यानी अपने दुर्जनों अपने दुश्मनों का जहर सबके पूरे अंग अंग में रहता है, जिसका कुछ बुरा करना चाहता है उसके साथ दुश्मन ही हो उसका जहर उसके पूरे शरीर में।